కరోనాతో చైనాలో 811 మంది మృతి చెందారన్నారు కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్. దేశంలో కరోనా ఎఫెక్ట్పై లోక్సభలో ప్రకటన చేశారు. కరోనాపై భారత్ అలర్ట్గా ఉందన్న కేంద్ర మంత్రి, సర్కార్ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. రోజూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నామన్నారు. 1118 విమానాల ద్వారా వచ్చిన ప్రయాణికులకు స్క్రీనింగ్ చేశామని తెలిపారు కేంద్ర మంత్రి. कोरोना वायरस वायरसों के वे बड़े समूह हैं जिनके कारण इंसानों तथा जानवरों में बीमारी फैलती है. 9 फरवरी की स्थिति के अनुसार चीन में पुष्ट मामलों की कुल संख्या 37,198 है तथा 811 मौतों की सूचना है. चीन के अलावा 27 देश जिसमें हांगकांग, मकाओ तथा ताइवान भी शामिल हैं में कुल 354 पुष्ट मामलों की सूचना है. इस रोग को फैलने से रोकने और सीमित रखने हेतु भारत सरकार ने अनेक कार्य प्रारंभ किए हैं. मैं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा हूं. राज्यों के साथ हर दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है. भारत में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के खतरे के नियंत्रण के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं. भारतीय नागरिकों को चीन से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है. अब से लोगों को चीन से यात्रा कर लौटने पर क्वारंटाइन किया जाएगा. हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर व थाईलैंड से सभी फ्लाइटों के लिए यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है और इन फ्लाइट्स की जांच को सुलभ बनाने के लिए निर्धारित एरो ब्रिज में पार्क किया जाएगा. विशेषज्ञ डॉक्टरों के दल को सभी विमान पतनों पर प्रभावी जाँच और संबंध अस्पतालों में एकाकी में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है. लक्षण ग्रस्त 369 यात्रियों को एकाकी केंद्रों में रेफर किया गया है और उन पर निगरानी रखी जा रही है. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और N95 मास्क का बफर स्टॉक राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा रखा जाता है. भारत सरकार ने नोवल कोरोना वायरस रोग से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए अन्य देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई है. भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है तथा नोवल कोरोना